अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? बड़ा आसान है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वे अभिक्रियाएं जिसमें एक तत्व दूसरे यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, यानी कि अदला बदली। वे अभिक्रियाएं जिसमें एक तत्व यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक उदाहरण लेते हैं तब आपको ये डेफिनेशन काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। नंबर वन, जब जिंक धातु की पट्टी को, जो जिंक धातु की पट्टी होती है, अगर हम उसे कॉपर सल्फेट विलयन में, जो ब्लू कलर का होता है, उसमें डालें, ठीक है, अगर हम जिंक धातु की पट्टी को कॉपर सल्फेट विलयन में डालते हैं तो जिंक सल्फेट विलयन बनता है और कॉपर प्राप्त हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट का जो हमारा नीला कलर था वो हमने इसमें डाला, और इसमें क्या डाला कि हमने इसमें एक जिंक धातु यहाँ पर डाली है। देखिए उससे क्या हुआ, हमारे पास क्या बना है, जिंक सल्फेट बना और कॉपर अलग हो गया। अब जरा देखिए, देखिए सर यहाँ पे जिंक था, जिंक ने क्या करा, अदला बदली कर ली, एक्सचेंज कर लिया, यानी कि ये जो कॉपर था उसको यहाँ से हटा दिया और जिंक सल्फेट के साथ आ गया, आ गया ना वो यौगिक, तो ये हमारे पास बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया है। तो हमने ये पढ़ा कि ये क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम धातु को लेते हैं एक और एग्जांपल में, तो और उसे कॉपर सल्फेट में, जो कि हमारा ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, उसमें डालते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पास बनता है और कॉपर धातु बाहर आ जाती है। तो हमने दोबारा से देखा कि मैग्नीशियम ने डिस्प्लेस कर दिया है किसको, कॉपर को, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर यहाँ पर अलग हो चुका है और अदला बदली हो गई है, कॉपर अलग और उसकी जगह कौन आ गया है, मैग्नीशियम आ गया है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पर एक विस्थापन अभिक्रिया हुई है। एक और एग्जांपल लेते हैं, काफ़ी आसान हो जाएगा फिर समझना। तो हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3, जब आयरन धातु के टुकड़े को हम कॉपर सल्फेट में मिलाते हैं, आपको रट चुका होगा कि जो कॉपर सल्फेट है हमारे पास ये ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट में जब हमने आयरन धातु को मिलाया तो आपके पास क्या आया, आयरन सल्फेट आ गया और कॉपर अलग आ गया। बात ये होती है कि अदला बदली में किस तरह से अदला बदली हो रही है, हमेशा जो हाईली रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करता है। अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल की इसको अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए मैं आप नंबर 4, और हमारे पास है कॉपर क्लोराइड ले लीजिए। तो कॉपर क्लोराइड आपने लिया CuCl2, और इसमें आपने जो लेड धातु होती है Pb, उसको जब आपने मिलाया, सॉलिड होती है, तो आपके पास क्या बन गया, लेड क्लोराइड बन गया। तो Pb और Cl2 लेड क्लोराइड, और आपके पास यहाँ पर क्या आ गया है, Cu आ गया है। तो आपने देखा कि लेड कॉपर जो सल्फेट विलयन में कॉपर को विस्थापित करने की क्षमता रखता है, यानी जो लेड था इसने किसको विस्थापित कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया है। एक और एग्जांपल आप देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप सिल्वर नाइट्रेट लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट आपने लिया, और इसमें अगर आप जो है ये रंगहीन विलयन होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, अगर आप इसमें कॉपर मिलाते हैं, Cu मिलाते हैं, तो आपके पास क्या बन जाता है, कॉपर नाइट्रेट बन जाता है नीले कलर का। तो Cu और NO3 ट्वाइस ये बन जाता है आपके पास, जो कि कॉपर नाइट्रेट होता है, नीला विलयन हो जाता है, और इसके अलावा जो सिल्वर है वो बाहर आ जाती है। तो हम इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर कितना है, 6 है ऑक्सीजन, हमारे पास 6 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर आप 2 लगाइए, 2 लगाने से इसके आगे भी आप 2 लगाइए, तो ये आपके पास जो है कितना हो गया, बैलेंस हो चुका है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है कि आयरन, आयरन धातु है, आयरन धातु के जो कुछ टुकड़े हैं हमने, छोटे छोटे बारीक टुकड़े, उनको लिया है। तो आयरन धातु हमने ली जो कि सॉलिड में छोटे छोटे बारीक टुकड़े, और इसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl ये डाला है, तो आपके पास आयरन क्लोराइड आ गया, जिसे हम फेरस क्लोराइड बोलते हैं। तो आयरन क्लोराइड हो गया FeCl2, आयरन क्लोराइड आपके पास आ गया, और कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस निकली है। तो ऐसे हमने कुछ तत्वों को देखा, और इसमें हमने इस अभिक्रिया में क्या देखा कि भाई विस्थापन अभिक्रिया में हाइड्रोजन से आयरन अधिक क्रियाशील होता है। तो इस तरह से आपके पास जो आयरन है वो अधिक क्रियाशील होने के कारण उसने हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के पास जो एक क्लोरीन थी उसको डिस्प्लेस कर दिया है, और क्या बन गया है, यहाँ पर यह आयरन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड बन चुका है। एक एग्जांपल और लेते हैं नंबर 7, और 7 में हमारे पास है कि मैग्नीशियम ले लो। नंबर 7 में जैसे आपने लिया मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम सॉलिड होता है, और इसमें आपने जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया HCl,
तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम जो होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा अधिक रिएक्टिव होता है, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, तो ये क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड आपके पास आ गया है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस होके अलग आ गया। या एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, बड़ा आसान एग्जाम्पल है नंबर 8 हमारे पास है कि मान लीजिए सोडियम है आपके पास, और सोडियम में अगर आप पानी डालते हैं H2O, तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसको आप बैलेंस कर लीजिए, आपके पास यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर भी आप 2 लगाइए, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गए, तो आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, सोडियम पे भी 2 लगाइए, सोडियम भी 2, हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन आपके 4 हो चुके, इधर 2 ये रे 2 ये रे, तो इधर भी 2 लगाइए, तो इस तरह से आपका ये बैलेंस हो गया। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमने देखे विस्थापन अभिक्रिया के। चलिए चलते हैं अगले अभिक्रिया की तरफ।